प्यारे बच्चों, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग महान कवि बिहारी लाल जी के द्वारा रचे गए भक्ति के दोहे का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था, तो एक बार हम लोग फिर उसको पुनरावृत्त कर लेते हैं कि बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 में ईस्वी में और मृत्यु 1663 में हुआ था। उनकी भाषा ब्रज भाषा और शैली जो है मुक्तक शैली है, मुक्तक और चमत्कार पूर्ण शैली है, और रचना उनकी है बिहारी सतसई। बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। जन्म 1603 और मृत्यु 1663 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी इनकी रचना, इनकी बिहारी सतसई। और इन्होंने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में भक्ति के दोहे इन्होंने बताया है आपको, तो उसमें 8 दोहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भक्ति के दोहे। तो नंबर 1 देखिएगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित तुति हो। भव माने सांसारिक, बाधा हरो माने दूर करो, नागर माने चालाक, तन माने शरीर, झाई माने परछाई, श्याम श्याम भगवान श्री कृष्ण को यहाँ बताया गया है, तो आप लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। वह चतुर राधा मेरे सांसारिक दुखों को दूर करे, जिसके शरीर की परछाई पड़ जाने से भगवान श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों, इसमें श्रृंगार व भक्ति रस है और छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। दोहा नंबर 2 देखें बच्चों, मोर मुकुट के चंद्रिकनु यो राजत नन नन, मुनि शशि शेखर के अकस किए शेखर सत चंद। मोर मुकुट की चंद्रकनि, चंद्रकन माने चंद्रिका, राजत माने सुशोभित हो रहा है, नन नंद माने भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, मनु सच शेखर की अकस, शेखर मीन्स चंद्रमा, अकस माने ईर्ष्या, किए शेखर सत चंद। इस दोहे में कामदेव जी का वर्णन है, कामदेव जी का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, उसमें सैकड़ों सुनहरी चंद्रिकाएं जड़ी हुई है, अंकित हैं। मुनि शशि शेखर की अकस, कामदेव भगवान शंकर से रुष्ट है, ईर्ष्या करता है उनसे, क्योंकि एक बार उन्होंने उसे भस्म कर दिया था, जला दिया था, इसलिए ईर्ष्या करता है कामदेव भगवान शिव से। तो श्री कृष्ण को देखकर बच्चों ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कामदेव श्री कृष्ण के रूप में अपने सर पर सैकड़ों चंद्रिकाओं को धारण किए हुए है। दोहा नंबर 3 देखें, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, श्याम सलोने माने सांवले शरीर पर, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाथ। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर
पीतांबर पीला वस्त्र उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है। मनह नील मन शैल पर आतप परयो प्रभात। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। बच्चों इसमें श्रृंगार व भक्ति रस है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। चौथा दोहा देखें। अधर धरत हरि के परत ओठ डिटिपट जोत। अधर माने ओठ। अधर धरत हरि के परत ओठ डिटिपट जोत। ओठ माने ओठ, डीट माने दृष्टि, पट माने पीतांबर। हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष अंग होत। बिहारी लाल जी बता रहे हैं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर अधर धरत हरि के परत बांसुरी को रखते हैं तो होठ दृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ती है। हरित बांस की बांसुरी उनकी, हरे बांस की जो बांसुरी है, इंद्र धनुष रंग होत। जिस प्रकार इंद्र धनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंगों वाली हो जाती है। बच्चों इसमें भक्ति रस, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास है। पांचवा देखिएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को। या अनुरागी चित्त की, अनुराग माने प्रेम, चित्त माने हृदय, गति माने दशा। बूढ़े माने डूबता जाता है श्याम रंग सांवले के रंग में, उज्जवल हो निष्कलंक होता चला जाता है। देखिए या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हृदय के गति को जाना नहीं जा सकता है, उसकी दशा को जाना नहीं जा सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वह सांवले के रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्जवल हो, तो वैसे वैसे उज्जवल या निष्कलंक होता चला जाता है। शांत रस है बच्चों, छंद है दोहा और अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला देखिए। तौ लगुया मन सदन में हरियावे कहीं बाट। मन रूपी घर, सदन माने घर, बाट माने रास्ते से, सदन माने घर बच्चों, बाट माने रास्ता। बिहारी लाल जी कह रहे हैं तौ लगुया मन सदन से, जब तक मन रूपी घर का प्रवेश द्वार अच्छी तरह से नहीं खुल जाता है, हरि आवे की बाट, भगवान किस रास्ते से आपके मन में प्रवेश करेंगे। विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। अर्थात जब तक मन रूपी घर का प्रवेश द्वार दरवाजा, अर्थात जब तक मन से कपट का भाव, छल का भाव नहीं दूर हो जाता है, ईश्वर किसी भी रास्ते आपके मन रूपी घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब मन शुद्ध होगा तभी ईश्वर मन रूपी घर में प्रवेश कर पाएंगे। जब तक मन में कपट या ईर्ष्या का भाव रहेगा ईश्वर किसी भी रास्ते आपके मन रूपी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। अगला देखिएगा बेटा, अगला दोहा। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाय। इस दोहे में बिहारी लाल जी बता रहे हैं जगत जनायो जिहि सकल, जिस परमात्मा के द्वारा इस संसार को रचा गया, बनाया गया, उस परमात्मा के द्वारा इस संसार के विषय में कुछ भी नहीं जाना जा सका। ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाए। बच्चों जिस प्रकार आँखों से तो हम सब कुछ देख रहे हैं,
लेकिन अपनी खुद की आंखों को हम नहीं देख सकते हैं। आठवां भक्ति का आठवां दोहा देखें बच्चों अपनी किताब में। जप माला छापा तिलक शरण का काम, मन का चेना चे वृथा साचेरा चेरा। बच्चों देखिएगा, बिहारी लाल जी बता रहे हैं कि जप माला छापा तिलक, जप करने, माला पहनने, छापा तिलक, चंदन का तिलक लगाने से, अर्थात वाह या डंबरों से, दिखावा करने से, टीका लगाकर घूमने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जप माला छापा तिलक शरणे को काम, एक भी काम आपका पूरा नहीं होने वाला है वाह या डंबरों से, दिखावा करने से। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक आपका मन कच्चा है, ईश्वर भक्ति से कतराता है, मन में कपट भरा हुआ है, ईश्वर किसी भी रास्ते आपसे नहीं मिल सकते हैं। साचे राचे राम, भगवान तो केवल सच्ची भक्ति के द्वारा, सच्चे हृदय में वास करते हैं, भगवान तो केवल सच्ची भक्ति के द्वारा ही हमें मिल सकते हैं। बच्चों इसमें शांत रस है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। तो बच्चों आज आपका ये बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति के दोहे, जिसको आज मैंने आपको बताया है, बाकी हम अगले वीडियो में पुनः एक बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।